श्वासोश्वास हम कुछ ना कुछ दे रहे हैं, जैसे आप वैसे पड़े हैं, लेटे पड़े, आपका दिमाग या इधर की सोच रहे उधर की सोच रहे, उसकी बजाय मान लो शुभ सोचो, सबका भला हो, एक एक आत्मा या किसी के प्रति आपकी ऐसी भावना है ना, उनका भला हो, पड़ोसियों का भला हो, देश का भला हो, विश्व का भला हो, है ना, तो इसमें आपका क्या लगेगा? नाले पौने नाले फलियां। लेकिन हम ये नहीं करेंगे, और सोचेंगे, नेगेटिव सोचेंगे, व्यर्थ सोचेंगे। स्लोगन है आज का, इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति द्वारा सर्व की इच्छाओं को पूर्ण करना ही कामधेनु बनना है। दो चीजें ऐसी दिखाई हैं शास्त्रों में जो सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाली है। एक तो दिखाई कामधेनु गाय, दूसरा कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष नीचे बैठ के जो सोचोगे वो ऐसा ही हो जाएगा। दूसरा कामधेनु, ये कौन है? ये हम सब हैं। कामधेनु कौन है? आपका मन ही कामधेनु बन जाता है, जैसा सोचोगे वैसा होता है। उसमें दिखाते हैं ना, कल्प वृक्ष के नीचे कोई चला गया तो लेटा था, उसने सोचा पानी आ जाए, उस वक्त पानी आ गया। उसने कहा कितना अच्छा होगा अगर हम थोड़ा लेटने को मिल जाए, बड़ा सुंदर सुंदर पलंग आ गए। जो भी देख सोचे वही हो ही जाए, तो फिर अंदर नेगेटिव थिंकिंग शुरू हो गई, कहीं शेर ना आ जाए, शेर आ गया, कहीं खा ना जाए, खा गया। तो आपका मन ही है वो, है ना, आपका मन ही आपको खा जाता है। नहीं तो है क्या? पॉजिटिव सोचो, आपका कोई पैसा नहीं लगता, कुछ नहीं लगता। लेकिन आदमी ने है ना, वो नेगेटिव ही सोचनी है, बुरा ही सोचना है, और फिर उसकी सजा भी भोगनी। तो बाबा कहते हैं आपकी इच्छा मात्रम अविद्या, है ना, इच्छा की भी अविद्या हो जाए, मतलब इच्छा क्या होती है ये भी पता ना हो, आपकी कोई इच्छा ना रहे। इच्छा किसकी नहीं रहती? जो राजा है, जो संपन्न है, जो पूरा रजा पूजा है, भरपूर है, उसकी इच्छा नहीं रहती। लेकिन जो आधे अधूरे हैं उनकी इच्छाओं का अंत ही नहीं होता। आज ये चाहिए, कल वो चाहिए, परसों वो चाहिए। फिर देखा देखी भी है सब दुनिया में ना, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देखा देखी की है, कंपैरिजन जिसको कहते हैं। अगर कंपैरिजन ना हो, कहते हैं ना, कोई मारुति गाड़ी लाया, बड़ा खुश था उस वक़्त, मल्ले में किसी के पास नहीं थी, पुरानी बात है, तो वो जो है अपना बैठता था अंतड़ी कॉलर ऊपर करके, और अगले दिन जो है तो पड़ोस वाला है, कौन सी है, होंडा सिटी ले आया, तो उसको अपनी कार में ही मजा आना कम हो गया, जबकि वही वही कार थी पहले भी, पहले वही सुख दे रही थी, अब दूसरे को देखा ये बड़ा हो गया। तो दुख कहाँ से शुरू हुआ? अपने मन से। तो आपकी गाड़ी को थोड़ा छेड़ा उसने, हम्म, मन को छेड़ दिया, मारा मन तो छेड़े कोई और देख लो, यही है ना, हमारे मन पे का दूसरा दूसरा क्रोध की भी क्या परिभाषा है? दूसरों की गलती के लिए खुद को सजा देना। गलती किसी ने की है और सजा हम दे रहे हैं अपने को गुस्से होके। तो इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति द्वारा सर्व की इच्छाओं को पूर्ण करना ही कामधेनु बनना। बाबा कहता है वही सबकी इच्छाएं पूरी कर सकता है जिसकी अपनी कोई इच्छा नहीं है। अगर आप भी मांग रहे, वो भी मांग रहा, तो आप जो है क्या दोगे?
जैसे भगवान है अभी आप्त काम है, उसको किसी की कोई इच्छा नहीं है, उसको उसकी एक ही इच्छा है भगवान की, मेरे सारे बच्चे सुखी हो जाए, सर्वे बंधु सुखिना, यही कामधेनु है। तो हर एक को कामधेनु भी बनना है और कल्प वृक्ष भी बनना है। आपको जो भी कोई मिले उनको उनकी कामनाएं पूर्ण हो जाएं, इच्छाएं पूर्ण हो जाएं, शुभ वाली शुभ इच्छाएं। ये नहीं है कि उल्टी सी कहा के भी मेरी चोरी कायम कामयाब हो जाए। हम कहें तथास्तु। वो तो आप देख रहे सर, आपके पास ही आते हैं। तो बाबा कहता कामधेनु बनो, सबकी इच्छाएं है ना। वो जैसे वो वही गीत है जो देवी माता के मंदिर में लोग मुरादे पाते हैं, रोते रोते आते हैं और हंसते हंसते जाते हैं। आपके भी दर पे कोई आए खाली ना जाए, हंसता हुआ जाए, है ना। बाबा ने कहा ना शुरू में कि मुरझाया फूल ना हो, हर वक्त खिला हुआ फूल हो, ऐसी आपका व्यक्तित्व पर्सनालिटी होनी चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों, मात पिता याद पे, गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग गुड नाइट और नमस्ते। सदा रहो हंसते कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते, चलो प्रभु के रास्ते। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्त सुखिनो भवन्तु, लोका समस्त सुखिनो भवन्तु, लोका समस्त सुखिनो भवन्तु। ॐ शान्ति।